यार बहुत धूल और ट्रैफिक रहता है रसकॉल में, और आप देख ही रहे हो सामने। तो गाइस पहली बार कैमरा हेलमेट में सेट करके बाइक चलाऊंगा, तो आप लोग पता नहीं क्या ठीक से वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग कमेंट में बता दें। क्या बोला तूने? ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं फिर जब वीडियो अपलोड करूँगा तो देख ही लूँगा। तो अभी मैं रक्सौल के गलियों में भटक रहा हूँ, आगे चल के मेन मार्केट में हमको जाना है, तो देखते हैं कैसे कैसे जाते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रक्सौल नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है, और अभी हम फिलहाल रक्सौल के एक बहुत ही फेमस चौक चौराहा कोडियार चौक पे है, यहाँ से हमको जाना है मेन मार्केट में। तो यहाँ से एक नहर निकला हुआ, उसी रास्ते से हम निकलेंगे और धीरे धीरे मेन मार्केट में जाएंगे। फिलहाल कोडियार चौक भी मेन मार्केट ही है। यार रॉयल इनफील्ड वालों ने क्या बाइक नहीं है, बुलेट बाइक है, उसका आवाज़ सुनते ही मतलब मन खुश हो जाता है। रक्सौल इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, इधर रक्सौल पड़ता है, उधर बीरगंज पड़ता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड भीड़ भाड़ रहता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन नेपाल में काम करते हैं और इधर रक्सौल में रहते हैं, जिसके कारण पूरा भीड़ रहता है यहाँ पे। फिलहाल रक्सौल में भीड़ होने का एक और कारण है, यहाँ पे बहुत सारे जगहों से यहाँ सेंटर आए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है 10th का, इसलिए थोड़ा भीड़ है यहाँ पे अभी फिलहाल, लेकिन हरदम इतना ही रहता है, थोड़ा फर्क पड़ा है बट इतना हरदम रहता है। फर्स्ट टाइम हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है, इसलिए बार बार ठीक करना पड़ रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा आ रहा है, वीडियो ठीक आ रहा है तो भी बताइएगा, और थोड़ा ख़राब आ रहा है तभी बताइएगा, क्योंकि मैं देख ही लूँगा अपलोड करते टाइम कि वीडियो कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है तभी तो अपलोड करूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा कि वीडियो कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो मैं डेली हेलमेट में कैमरा बांध करके ही, अटैच करके ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को और बताइए हमको कमेंट करके वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ऐसे वीडियो बनाने से। तो आप लोग देख ही रहो कितना मतलब कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हरदम। आप नॉर्मली कभी भी आओ यहाँ पे रक्सौल में तो इतना ट्रैफिक आपको मिलेगी, क्योंकि इस रूट में एक बस स्टैंड है, उसके कारण तो और ट्रैफिक हो जाता है। और इस चौक पे यार मतलब हद है, कभी भी खाली नहीं रहता है चौक, फिलहाल तो बहुत खाली है, मतलब बहुत खाली है, इतना खाली कभी नहीं रहता, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा इतना खाली इस रोड को, इस यहाँ पे इस चौक को, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जन है, चार रास्ते निकलते हैं यहाँ से, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ होता है। और इस रोड पे तो मानो यार मतलब हरदम ट्रैफिक रहता है। फिलहाल दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ा ट्रैफिक कम मिल रहा है, लेकिन सामने इस रोड से मतलब निकलना इतना कठिन हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है कि यार आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है इस रोड पे। फिलहाल दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ा कम ट्रैफिक मिल रहा है, लेकिन शाम में यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो आप लोग इधर जब भी आएँ तो मतलब कोशिश करें कि दोपहर में निकल जाए इस रोड से। तो फाइनली हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो पे बने रहे पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अरे भाई साहब थोड़ा सा ऐड कर लो यार, निकलने दो, हॉर्न भी तुमको सुनाई नहीं दे रहा यार, पता नहीं कैसे, थोड़ा यार जल्दी कर लो यार, साइड दे दो यार प्लीज़।